गुड मॉर्निंग क्लास सेवन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर चैप्टर लाइट विच आई वॉज सपोज टू टीच इन योर डॉग क्लियरिंग क्लासेज बट नो वन हैज़ अटेंडेड दैट. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन जस्ट इन अ केस इफ यू वॉन्ट टू स्टडी मोर अबाउट लाइट यू कैन सी दिस. सो आई हैव टॉट दिस पार्ट स्टिल आई एम टेकिंग एज अ रिविजन. वॉट इज द स्पीड is the greatest in vacuum. The speed of the light is greatest in the vacuum through which it travels at enormous speed. The speed of the light is 3×10⁸ meter per second. Its speed in the other medium, say glass or water, is less than this. Vacuum में सबसे ज़्यादा speed होती है light की rather than water या air में या water या glass में. An interesting thing about the speed of light is that nothing in the universe can travel at a speed greater than the light. Light से ज़्यादा speed किसी भी चीज़ की universe में नहीं है. तो reflection क्या होता है? We see something when light emitted or reflected by it reaches our eyes. पहले बताने से मतलब पूरा ये क्या कहना चाहता है पूरा reflection topic. I just want to tell you, कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब उस पर से light टकरा के हमारी आँखों तक के आती है. पहले light जाएगी उस surface से टकराएगी और फिर हमारी आँखों तक के आएगी, तब वो चीज़ हमको दिखती है. और जब वो चीज़ पूरी ट्रांसफ़र हो जाए उस सरफेस से, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और हमें जो चीज़ें होती हैं वो दूसरे साइड की भी दिखने लगती हैं. व्हेन वी विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन लेटर, और उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में. रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब सरफेस मीडियम जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है. लाइट जा रही है एंड इट इज़ व्हेन इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इट विल गो बैक इन अ रेगुलर पैटर्न. इसका पैटर्न जो है मीडियम से टकराने के बाद गड़बड़ा नहीं रहा है. इट इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. सेम क्योंकि ये सरफेस बहुत ही स्मूथ है. देन सेम हैपन्स विद द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन द सी इट इज़ अ वेरी रफ सरफेस. जब सरफेस है सो व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन द लाइट इज गोइंग टू स्ट्रक ऑन द रफ सरफेस. कैसे अजीब तरीके से लाइट लाइंस जा रही हैं. सो ऐसी इमेज जो होगी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लियर टू योर आईज. ठीक है. सेम दीज थिंग्स आर गोइंग टू से दैट व्हेन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हाइल द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन अनइवन सरफेस कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर्स कौन से होते हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम परफेक्टली स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर. जब प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ही स्मूथ सरफेस पे हो रही होती है, तो क्या होता है हमको जो इमेज होती है बहुत ही क्लियर दिखती है. वो प्लेन मिरर्स जो होती है वो सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं. सो द लॉज आर अ रे ऑफ लाइट इज़ नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट क्या होती है? पतली सी स्ट्रीम होती है लाइट की. इट रिप्रेजेंट्स द पाथ अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल्स एज शोन बाय स्ट्रेट लाइन विद अ स्मॉल एरो. देखिए तो रे ऑफ लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन की तरह होती है और स्मॉल एरो की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है. द एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन विच लाइट ट्रेवल्स. एरो हेड जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है कि इस नीचे की तरफ लाइट जा रही है. द लाइट इज गोइंग इन डाउनवर्ड पोर्शन. अ मिरर इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन बाय विद हैचिंग ऑन वन साइड. मिरर को एक साइड पे दिखाते हैं हैचिंग ऑन वन साइड, मतलब ऐसे ऐसे रेज निकलती हुई दिखाते हैं मिरर की कि ये मिरर है. एक साइड पे ऐसे ऐसे करके हैचिंग रेज दिखाते हैं. ठीक है. मिरर हैव अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर एट द बैक कॉल्ड सिल्वरिंग. आप जब आईना खरीद के लाइए उसके पीछे देखिएगा, पीछे कोटिंग होगी, सिल्वरिंग होगी. इट इज़ दिस लेयर विच इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन. आईने का एक साइड जो होगा उस पर कोटिंग होगी जो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और यही रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्शन के लिए. द हैचिंग इन अ ड्राॅइंग ऑफ मिरर रिप्रेजेंट दिस लेयर. अगर कोई ड्राॅइंग के पीछे आपको थोड़ा हैचिंग टाइप का दिख रहा है तो वो ये लेयर होती है जो आईने के पीछे होती है. अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो लाइट आके मिरर पर टकराती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. सी दिस इज आई एंड अ लाइट ऑफ ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और जो बाहर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. IP is the incident ray and PR is the reflected ray. IP incident ray and PR reflected ray.
पी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आके इंसिडेंट रे जो होगी मिलेगी इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और पी और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो नॉर्मल है। एंड फॉर नॉर्मल अ लाइन ड्रॉन, जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है बिटवीन द पी एंड एन इज नॉर्मल इन द फिगर। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेल द एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू दिस एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वी आर गोइंग टू डिनोट विद आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर गोइंग टू डिनोट विद आर। सो वॉट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रिफ्लेक्टेड रे सब एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ये सब आई एंड आर सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, सेम है, इक्वल है। देन वी हैव दिस एक्टिविटी टू डू, नाउ इट्स ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इन द फिगर। ये देखिए एक्स वाई ड्रॉन किया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। एक रे बॉक्स रखिएगा, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म बनेगी स्मूथ, क्योंकि प्लेन मिरर का जो बहुत ही परफेक्टली स्मूथ होता है सरफेस, तो कैसे अच्छी इमेज बनेगी खराब इमेज बनेगी ये पढ़ते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर एन इमेज सीम्स टू फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, जब हम कोई, आपने नोटिस किया होगा जब हम कोई भी चीज़ पकड़ के मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसकी जो इमेज होती है पीछे बन रही होती है, बिहाइंड द मिरर। व्हाट रियली हैपेंस इज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड एंटर्स योर आईज। क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है मिरर से और हमारी आंखों के अंदर जाती है। दैट द रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू कम फ्रॉम इमेज बिहाइंड द मिरर, वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो लगता है कि पीछे से आ रही है, बट वो उसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट होती है जो हमारी आँखों में जा रही होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। However, if you place a screen at the position where the ray seems to be coming from, you will not see an image. अगर जहाँ से रोशनी आ रही है, जहाँ से रेज निकल रही है, अगर वहाँ पर एक स्क्रीन प्लेस कर दें, कोई ऐसी स्क्रीन लगा दें, तो हमें नहीं दिखेगी इमेज। सच एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो स्क्रीन रखने के बाद अगर इमेज फॉर्म ना हुई तो उसको हम वर्चुअल इमेज करेंगे। एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय कैमरा, फॉर एग्जांपल द पिन होल कैमरा यू मेड इन अ प्रीवियस क्लास ऑन द अदर हैंड आर द रियल इमेजेस। पिन होल कैमरा पे जो इमेजेस बनती है वो रियल इमेजेस होती है। इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म ना हो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। सी लग रहा है कि इसके कॉर्नर पे बनी हुई है, लेकिन द रिफ्लेक्टर रेज सीम टू कम फ्रॉम एन इमेज बिहाइंड द मिरर। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर बाय ट्रेसिंग रेज और मेकिंग रे डायग्राम, सपोज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल लाइक पॉइंट दे विल गेट रिफ्लेक्टेड सी ई एंड डी एफ ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी, कंसिडर टू रेस ओ सी एंड ओ डी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग ऑन द मिरर सी एंड डी, दे विल गेट रिफ्लेक्टेड सी ई, वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, ऊपर जा रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो रही है सी ई और डी एफ, ये आई आई जो है इंसिडेंट रे है, आर आर रिफ्लेक्टेड रे है। वाइल ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टर इज रिमेंबर द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी, जब हम ये रिफ्लेक्टेड रे बना रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ शुड बी इक्वल। इफ़ यू एक्सटेंड सी ई एंड डी एफ बैकवर्ड्स यू विल मीट द पॉइंट आई, जब हम
इसको एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक जगह जाके मीट करेंगे, दैट पोजिशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पॉइंट आई. दिस इज द पॉइंट वेयर द रे सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम. ये जो रे पॉइंट जाके आई मिल रहा है, यहीं से हो सकता है रेस आ रही है और यहीं से रेज आ रही होती है. इन अदर वर्ड दिस द इमेज ओ, यू विल फाइंड ओ एन, नीचे किया ओ एन और आई एन, दिस इज ऑलवेज ट्रू. दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर. वी से दैट फॉर रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सर्फेस द इमेज इज फार बिहाइंड, इमेज इज अ फार बिहाइंड द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. एक रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस की जो इमेज होती है वो बिहाइंड बनी होती है, बिहाइंड द सरफेस और जो कि इन फ्रंट बनी होती है. रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस द इमेज इज एज फार बिहाइंड द सरफेस एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. जैसे ही इमेज पीछे बन रही होती है, सेम वैसे इमेज आगे भी बन रही होती है. इफ़ यू विश टू डू एन एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस चैप्टर के पीछे बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट. वी कैन नाउ लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वर्चुअल होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, पिन होल कैमरा फॉर्म बाय इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज की होती है, एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज एज द ऑब्जेक्ट, लिटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इफ यू होल्ड योर राइट हैंड बिफोर अ मिरर योर इमेज विल अपहोल्ड द लेफ्ट हैंड. ठीक है, हम अगर मिरर के सामने सीधा हाथ उठाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड उठा हुआ है. इफ़ यू शट लेफ्ट आई योर इमेज विल शट द राइट आई. अगर हम सीधी आँख बंद करें तो हमारे लगेगा कि उल्टी आँख बंद हुई है, लेफ्ट आई बंद हुई है. एंड इफ़ यू होल्ड अ प्रिंटेड लाइन, सारे प्रिंटेड लाइन बी का डी लिखेगा, पी का क्यू दिखेगा. द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. जो भी कुछ भी राइट का लेफ्ट दिखे और लेफ्ट का राइट दिखे उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट द वर्ड ऑफ एम्बुलेंस इज प्रिंटेड लेटरली इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस. तभी आपको एम्बुलेंस में दिखेगा कि जो भी लेटर्स होते हैं वो लेटरली लिखे होते हैं, मतलब ए एम बी यू एल एन सी ही तो लिखे होते हैं, लेकिन उनका जो लेटर्स के डायरेक्शंस होते हैं वो उल्टी तरीके से लिखे होते हैं, ताकि वो जो राइट अपेयर राउंड द, ताकि वो जो आपकी कार का जो बाहर वाला शीशा होता है जिससे हम देखते हैं पीछे से कौन आ रहा है, वहाँ क्लियरली दिखे.